गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, अ सेट का वन शॉट वीडियो देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन का वन शॉट वीडियो। पिछले क्लास में हम देखे थे वन सेट में सेट का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट। अब वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट से ही रिलेशन निकल के आता है। हम रिलेशन को देखेंगे क्या होता है, रिलेशन क्या होता है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन कैपिटल आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए एंड बी का, और उसे ए एंड बी का जो हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं उसी सबसेट को ही हम लोग रिलेशन बोलते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय एक्स रिलेशन वाई या आर इक्वल्स टू पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स रिलेशन वाई। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग रिलेशन का, कि रिलेशन का एग्जाम्पल क्या होता है वो देखेंगे। मान लीजिए कि एक सेट है, एक सेट ए है आपके पास, वो वन और टू एलिमेंट है। एक सेट बी है जिसके पास थ्री एलिमेंट है। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो मेरे पास ये निकल के आएगा, वन थ्री और टू थ्री, ये निकल के आएगा। अब इसी का हम सबसेट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकालेंगे तो वो निकल के आएगा, ये एक एम्प्टी सेट, एक आपको ये वन थ्री, उसके बाद आपका टू थ्री, उसके बाद आपका निकल के आएगा वन थ्री और टू थ्री, ये निकल के आएगा। मतलब कि इसका एक सेट ए था, एक सेट बी था, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला ए क्रॉस बी, वन थ्री टू थ्री। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकाले, एक एम्प्टी, एक वन थ्री, एक टू थ्री, एक वन थ्री और टू थ्री, चार सबसेट निकाला। इसी चार सबसेट, इसको आर वन, इसको आर टू, इसको आर थ्री और इसको हम लोग आर फोर बोलते हैं, यही टोटल रिलेशन हुआ। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो जो सबसेट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। एक बात यहां से क्या निकल के आया कि अगर कोई सेट ए है जिसके पास दो एलिमेंट, एक सेट बी है जिसके पास एक एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास दो एलिमेंट होगा टू क्रॉस वन, उसके सबसेट होगा टू के पावर एम इंटू एन, मतलब कि दो के पावर दो मतलब चार, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मेरे पास निकल के क्या आ रहा है, चार आ रहा है। यही बात को हम आगे देखेंगे क्या, कि हम नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई सेट ए है जिसके पास एम एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसके पास एन एलिमेंट है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो टू टू दी पावर एम क्रॉस एन कहलाएगा। अगर कोई रिलेशन के सेट ए है, सिर्फ एक ही सेट है जिसके पास एम एलिमेंट है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए, ए टू ए जो होगा वो टू टू दी पावर एम स्क्वायर होगा। मतलब एग्जाम्पल से हम देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर कोई सेट ए है जिसके पास पांच एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसके पास चार एलिमेंट है, तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा टू टू दी पावर एम इंटू एन, फॉर्मूला पढ़े थे मतलब टू के पावर में फाइव इंटू फोर, मतलब टू के पावर में बीस कहलाएगा। अगर इसी को अगर ये पूछता कि सिर्फ ए का रिलेशन बताइए, मतलब ए टू ए का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टू के पावर फाइव का स्क्वायर मतलब कितना आ जाता, टू के पावर ट्वेंटी फाइव। उसी बी का पूछता तो टू के पावर फोर का स्क्वायर मतलब टू के पावर सिक्सटीन, ये मेरा आंसर होता। तो इस तरह से हम रिलेशन निकालेंगे। मतलब इसी पे एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि एक सेट ए है जिसके पास वन टू एलिमेंट, एक सेट बी है जिसके पास थ्री फोर एलिमेंट है, तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए। मतलब कि एक सेट है, नंबर ऑफ ए अगर इसमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है आपको, वो भी दो दिया हुआ है। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है, रिलेशन कहां पे, फ्रॉम ए
2b में तो होता है 2 के पावर में m इंटू एन, ये फॉर्मूला हम जानते थे, 2 के पावर में 2 गुने 2 मतलब आंसर हो जाएगा 2 के पावर में 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम निकाल सकते हैं इजी, आप निकालिए एक क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ए जो है वो दिया 10, नंबर ऑफ बी जो है वो दिया आपको 30, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहाँ पे ए टू बी में कितना होगा, उसके बाद ए टू ए में बताइए कितना होगा, ए टू बी टू ए में बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये तीनों में क्या होगा कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। इसके बाद देखेंगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन। अभी हम जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में हमको क्या दिखा था, क्या कि जी ए अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, उसके पास ए क्रॉस बी के पास एम इंटू एन एलिमेंट है, तो वो सबका सबसेट निकालेंगे तो ये एम्प्टी होता है एक रिलेशन जो सभी के सबसेट होते हैं, तो ये जरूर फिक्स है कि उसके पास रिलेशन जो होंगे ऐसे रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम देख लीजिए, ए बी द सेट है एंड ये एम्प्टी सबसेट है ए क्रॉस ए का, इज फॉलो दैट एम्प्टी इज द रिलेशन ऑन ए विच इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे 3x3 का एक रिलेशन है, ये 3x+2 है, ये 3x+2 है। सबसे पहले तो इसका ये एक सेट ए है, तो इसका हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मेरे पास आएगा 1 1 1 2 1 3, उसके बाद आएगा 2 1 2 2 2 3, उसके बाद मेरे पास आएगा 3 1 3 2 और 3 3, ये निकल के मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें से कोई भी पेयर को उठाइए, अगर वो पेयर इसको सेटिस्फाई करके कोई एक भी पेयर आ जाता है तो वो एम्प्टी नहीं कहलाएगा। अब जैसे मैं x बराबर 1 पुट किए तो y बराबर 5 आएगा, जो कि ये नहीं है। x बराबर 2 पुट करेंगे तो आ गया 6 2 8, जो कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करा। x बराबर 3 पुट करेंगे तो 9 2 11, वो भी नहीं हो रहा। x बराबर 2 पुट करेंगे तो y बराबर 5 आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x बराबर 2 पुट करेंगे तो y बराबर आपको 4 3 4 2 6 2 8 आएगा, वो भी नहीं होगा। x बराबर 3 पुट करेंगे तो वो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x बराबर 2 पुट करेंगे ये भी नहीं, ये भी नहीं। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिर्फ अब इसका सबसेट निकालेंगे तो ये एक एम्प्टी होगा, और उसके बाद जितना भी आएगा वो सारा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ ये आएगा, तो ये जो है वो एम्प्टी इसका सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। मतलब कि मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना भी एलिमेंट हो जो दिया हुआ रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाता, तो कम से कम एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई कर जाता तो वो एम्प्टी रिलेशन नहीं करता। इसमें से कोई एक भी एलिमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब कि इसमें एक भी पेयर नहीं है, इसका मतलब कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। दूसरा का नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मतलब कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेशन टू इटसेल्फ, सिर्फ जितना भी मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है, एग्जांपल से चलते हैं, एक सेट ए है, इसके पास 1 2 3 एलिमेंट है, बोला आइडेंटिटी रिलेशन निकालने के लिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, जो भी एलिमेंट है उसका खुद का इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3, अगर ऐसा है इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसके अलावा आप मान लीजिए कि 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए और 3 3 ले लिए और साथ में 1 2 भी ले लिए, ऐसा भी ले लेते हैं,
तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, सिर्फ इट्सेल्फ के अलावा कोई भी दूसरा पेयर नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई सेट ए है और उसके साथ 1-1 का रिलेशन, 2-2 का रिलेशन, 3-3 का रिलेशन अगर आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू पेयर ऑफ ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब आपका ए जो है वो, और जितना भी एलिमेंट है मतलब इसमें से अगर आप क्या करते इसको हटा देते, इसको 2-2 को हटाते, अब पूछते क्या कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरी जितना भी एलिमेंट है सभी का इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। एक भी एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन न कहलाएगा वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। दूसरा का नाम है, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन क्या कहता है, सेम उसी तरह से आइडेंटिटी रिलेशन है कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ये भी कह रहा है रिफ्लेक्सिव मतलब क्या कि आप सिंपल समझ लीजिए कि एक तरह से मिरर को देख लीजिए और मिरर को में आप अपने खुद का देखिएगा तो आपको ये नहीं, मिरर तो साइमेट्रिक रिफरेंस साइमेट्रिक का होता है कि एक खुद का दिखना चाहिए आपको साइमेट्रिक। हाँ मिरर की बात कर लेते हैं तो हम अगर मिरर में अपना खुद को देखेंगे तो खुद का ही रिलेशन, खुद का ही फिगर उसमें दिखेगा। मतलब क्या कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हम करते हैं तो ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए रिलेशन टू इटसेल्फ, दैट इज ए ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब कहने का मतलब कि एक सेट ए है जिसके पास 1-2-3 एलिमेंट है और ये बोल रहा है कि देन कैपिटल आर एक डिफाइन हो रहा है एक्स वाई कहाँ पे, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स पे, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तो हम इसका पहले ए क्रॉस ए का हम क्या निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3। ऐसा है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि इसमें से देखना है कि इस रिलेशन को कौन होल्ड करता है, कौन कौन पेयर होल्ड करता है, मतलब एक्स से बड़ा वाई होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो पहला तो ये होल्ड करता है, दूसरा एक्स से बड़ा ये नहीं है या इक्वल नहीं है, एक से बड़ा ये भी नहीं है इक्वल नहीं है, 1-2, 2-1 ये होल्ड करता है, 2-2 भी होल्ड करता है, 2-3 भी होल्ड करता है, 3-1 होल्ड नहीं, 3-1 भी होल्ड करता है और आपका 3-2 भी, 3-1 नहीं, पहले हमको देखना है कि बड़ा और ये इक्वल टू कौन है। ये होल्ड, एक मिनट, ये इसको हम देख लेते हैं। पहला 1 जो है ये आपका x कहलाता है, ये आपका y कहलाता है, इक्वल है, ये होल्ड करता है। y देखिए ये बड़ा है वहां x से, हाँ बड़ा है तो ये भी होल्ड करता है, ये भी होल्ड करता है। क्या ये होल्ड करता है x से जो है x से बड़ा है, नहीं होल्ड करता है, इक्वल है होल्ड करता है। ये आपका x है और ये आपका y है तो ये 2-3 होल्ड करता है, करता है। ये आपका x है, ये आपका x है और ये आपका y है, होल्ड करेगा नहीं होल्ड करेगा, नहीं होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा। मतलब कि मेरे पास रिलेशन जो था वो दिया हुआ, उससे निकल के क्या आता है, 1-1, 1-2, 1-3, 2-2, 2-3 और 3-3, ये निकल के आता है। अब देखिए कि इस रिलेशन में जितना भी एलिमेंट ए में था, 3 एलिमेंट था, सबका इटसेल्फ का पेयर है कि नहीं है, तो इटसेल्फ का पेयर आपके पास है और इटसेल्फ के अलावा भी पेयर है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर इसके अलावा ये वाला पेयर, ये दोनों और ये अगर नहीं रहता तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता,
लेकिन इसके अलावा भी वो इटसेल्फ के अलावा भी इसमें पेयर है तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो ये एग्जांपल था आपका रिफ्लेक्सिव का। अगर कोई भी अगर आप जैसे में अगर आपको बोले एक सेट मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसके पास 4, 5, 6 और 7 एलिमेंट है, बोलेगा कि एक रिलेशन ऐसा एग्जांपल दीजिए ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, तो आप सिंपल क्या कीजिए 4, 4, 5, 5, 6, 6 और 7, 7 ये एग्जांपल आप दे दीजिए। ये देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्या है कि जितना भी एलिमेंट है सारा का इटसेल्फ का एक रिलेशन होना चाहिए, वही कहलाता है रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा भी इसमें आ सकता है 4, 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में, लेकिन आइडेंटिटी पे फर्क पड़ जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो ये था रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद साइमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे। मान लीजिए कि एक पीपल का पत्ता है ऐसा फिगर नहीं आ रहा है ठीक से, ऐसा ऐसा ही रहता है पत्ता। अगर इसको आप काट कीजिएगा तो ये पार्ट दिखने लगेगा। मतलब कि आप सिंपल बोल सकते हैं साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो अगर x रिलेशन y के साथ है तो y रिलेशन x के होना चाहिए। मतलब कि एक रिलेशन है उसमें कुछ पेयर हैं और एक्स वाई पेयर दिया हुआ है, तो वाई एक्स पेयर भी उस रिलेशन में होना चाहिए, उसी को हम लोग साइमेट्रिक बोलेंगे। जैसे राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भी भाई है, तो ये भाई जो रिलेशन है वो साइमेट्रिक है। अगर राम श्याम के पिता है तो क्या श्याम राम के पिता है? नहीं, तो पिता यहाँ पे साइमेट्रिक नहीं है। तो साइमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे। साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, क्या कि ए रिलेशन कैपिटल आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेड टू बी साइमेट्रिक रिलेशन इफ ऑन एनी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब एग्जाम्पल के लिए लिए कि एक सेट अगर हम लेके चलते हैं, अगर हम एक सेट लेते हैं कि ए है एक सेट है और ये इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और एक रिलेशन अगर हम ले लिए क्या ऐसा कि 1, 2 अगर हम लेते हैं 1, 3 लेते हैं और 2, 3 लेते हैं ऐसा ले लिए सेट में, तो 1, 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2, 1 भी होना चाहिए उस रिलेशन में, 1, 3 भी है तो 3, 1 भी होना चाहिए और 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए। अगर कोई इसी में से एक भी अगर पेयर ना हो तो वो साइमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। मतलब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आर ले लिए इसी में से, ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1 और 1, 3 ये रिलेशन है। क्या ये साइमेट्रिक है? तो 1, 1 है 1, 1 है, 2, 2 है 2, 2 है, 3, 3 है 3, 3 है, 1, 2 है तो 2, 1 है, 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है। तो 3, 1 नहीं होने के कारण ये साइमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अब ये साइमेट्रिक नहीं है तो ये क्या है, एंटी साइमेट्रिक कहलाएगा। जैसे में अब ये 1, 2 है 2, 1 है तो ये 1 = 2 होना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है तो ये एंटीसाइमेट्रिक नहीं है। एंटीसाइमेट्रिक के लिए 1, 2 भी नहीं होना चाहिए। एंटीसाइमेट्रिक का देखेंगे क्या कि एंटीसाइमेट्रिक क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो ए रिलेशन ऑन आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटीसाइमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी ए बिलोंग्स टू आर और ए और बी इक्वल होगा, फोर जो रिलेशन होगा वही कहलाएगा एंटीसाइमेट्रिक। जैसे में एक सेट ए है 1, 2, 3 और एक रिलेशन ले लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3,
ये पहले तो देखिए, ये रिलेशन साइमेट्रिक है नहीं है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन एंटी साइमेट्रिक है। कैसे? देखिए दो पेयर बोला था, दो गिवन रहेगा, ए बी और बी ए दिया रहेगा, 1 1 है 1 1 है तो 1 1 के इक्वल है, 2 2 है 2 2 है 2 2 के इक्वल है, 3 3 है 3 3 है 3 3 इक्वल होता है दोनों, 1 2 है लेकिन 2 1 गिवेन नहीं है तो इसका बात हम नहीं करेंगे, 1 3 है 3 1 गिवेन नहीं है तो इसका बात नहीं करेंगे, 2 3 है 3 2 नहीं है तो हम इसका बात नहीं करेंगे, मतलब कि ये रिलेशन जो है वो एंटी साइमेट्रिक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी साइमेट्रिक, मतलब गिवेन रहेगा, ए बी भी दिया हुआ रिलेशन में, बी ए भी दिया हुआ रहेगा और दोनों को बोलेगा क्या इक्वल है, तो इक्वल अगर है तो एंटी साइमेट्रिक, इक्वल नहीं है तो वो एंटी साइमेट्रिक नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम उसी पे देख लेते हैं, प्रूफ दैट करना है कि रिलेशन डिफाइन ऑन ए से ए डिविजिबल, बी ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, इसको प्रूफ करना है क्या ये एंटी साइमेट्रिक है। पूछ गया प्रूफ दैट द रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट कैपिटल सेट जेड इंटीजर, और प्रूफ करना है कि ये रिलेशन साइमेट्रिक है कि नहीं है। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें प्रूफ करना है कि एक रिलेशन दिया हुआ ए बी सच डेट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, और इसको प्रूफ करना है कि ये साइमेट्रिक रिलेशन को होल्ड करता है कि नहीं करता है। हम क्या बोले, साइमेट्रिक में एक गिवेन रहेगा, हम ये डिविजिबल बाई 4 है, मतलब कि हम मान लें कि ए रिलेशन बी आपको दिया हुआ है, ए रिलेशन बी दिया हुआ है, ए रिलेशन बी दिया हुआ है का मतलब क्या है कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई 4 है, मतलब कि वो 4 से डिविजिबल करते हैं तो कोई के वन इंटीजर आता है, ये के वन आपका इंटीजर है, के वन क्या है बिलोंग्स टू जेड है तो ये डिविजिबल है। जब हम ये अगर ये करेंगे तो इसको हम जब बी माइनस ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस के वन हो जाएगा, माइनस के वन भी तो मेरा कहाँ पे है इंटीजर है, ये भी तो मेरा इंटीजर है, इसका मतलब क्या है कि b माइनस ए भी क्या हो रहा है 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4, मतलब क्या कि b रिलेशन a भी होल्ड कर रहा है। क्या दिए लेके चले थे, a रिलेशन b लेके चले थे, क्या दिखा दिए b रिलेशन a आप दिखा दिए, मतलब क्या कि जो रिलेशन कैपिटल R जो है वो क्या है साइमेट्रिक रिलेशन है, साइमेट्रिक रिलेशन को होल्ड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ऐसा दो इंटीजर लीजिए जो 4 से डिवाइड हो, मैं क्या ले लिए 2 और 6 ले लिए। अब देखिए 2 माइनस 6 जो है वो 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। अब देखिए 6 माइनस 2 भी क्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 से 4 ये भी डिविजिबल है। तो कोई भी ऐसा दो नंबर आपको लेना है पहले कि a माइनस बी, a और b ऐसा दो नंबर लेना है जो 4 से डिविजिबल हो जब a माइनस बी करे तो, और जब उसको उल्टा करे b माइनस a तो क्या वो भी 4 से डिविजिबल है, तो हाँ डिविजिबल है। इसका मतलब कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है साइमेट्रिक रिलेशन को होल्ड करता है। अब ये एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्या कि एक सेट ए है 5 6 7 8 और कह रहा है कि एक रिलेशन है 5 5 6 6 7 9 6 7, कह रहा है क्या कि लिस्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स नीड टू बी एडेड इन आर सो दैट इट इज बिकम्स रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक, मतलब कि एक तो सबसे पहले ये रिलेशन दिया हुआ है आर, आपको क्या दिया हुआ है 5 5 6 6 6 6 7 9 और 6 7 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें क्या आप मिनिमम ऐड कर सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा साइमेट्रिक भी होगा। सेट क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, देखिए तो 5 6 7 8 रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारा का सारा एलिमेंट आना चाहिए आर में, क्या क्या आना चाहिए सारा का इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, 5 है
तो 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 6 भी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसमें 2 और आना चाहिए तब ये साइमेट्रिक होगा, मतलब कि 9 और 7 आना चाहिए और 7 और 6 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को होल्ड कर जाएगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और साथ में साइमेट्रिक भी है। तो इसमें देखिए ये दोनों दिया हुआ है तो क्या चाहिए, ये और ये चाहिए, ये दोनों दिया हुआ है, 7 9 6 7 दिया हुआ है, तो क्या चाहिए, ये और ये आपको दिया हुआ है। तो 4 ऐसा ऐड इसमें करना है, तो इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, आपको 7 और 8 और 8 और कितना 9 और 7 और 7 और 6 मिनिमम ऐड करेंगे तो ये रिलेशन जो कहलाएगा वो आपको रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 5 6 6 दिया हुआ है तो हमको रिफ्लेक्सिव के लिए 7 7 और 8 8 भी चाहिए, यहाँ पे 7 9 दिया हुआ है, साइमेट्रिक के लिए जस्ट इसको उल्टा भी चाहिए, 9 7 भी चाहिए, 6 7 है तो 7 6 भी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कितना चाहिए, हाउ मेनी, 4 एलिमेंट्स, 4 पेयर हमको चाहिए, 4 एलिमेंट्स जो इसको क्या बना देगा, रिफ्लेक्सिव भी और साइमेट्रिक भी। यही 4 के कारण 1 2 3 4 यही 4 एलिमेंट चाहिए जो उसको रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक हमको बना देगा। हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन का कि ये क्या होता है। तो ऐसा रिलेशन जो आपको एक्स वाई का रिलेशन दिया हुआ है, वाई जेड का रिलेशन दिया हुआ है, अगर एक्स जेड का रिलेशन अगर हो जाता है तो उसी को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या कि अगर राम, अगर हम देखेंगे क्या कि अगर राम जो है आपको रिलेशन, राम जो है वो श्याम का भाई है और श्याम जो है वो लक्ष्मण का भाई है, तो राम जो है वो लक्ष्मण का भाई हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लेते हैं कि हमको ये देना है प्रूफ डेट, या पहले हम उसका एक सेट जैसे है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक सेट ए है और इसके पास 1 2 3 एलिमेंट है, तो एक रिलेशन आर ले लेते हैं, क्या वो 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, 3 3 ले लेते हैं और 1 2 ले लेते हैं और 2 3 ले लेते हैं और साथ में 1 3 ले लेते हैं, ऐसा देखिए। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 दिया हुआ है तो 1 3 भी होना चाहिए जो कि है 2 3 है, 3 2 3 है और 3 3 है तो 1 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 भी है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है तो 1 2 भी होना चाहिए, वो भी निर्भर करता है, 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। मतलब ये जो रिलेशन है क्या कि अगर x और y दिया हुआ है, y z दिया हुआ है ये देख रहे हैं, तो this implies that x और z भी उस रिलेशन में होना चाहिए, इसी को हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। ए रिलेशन ऑन R डिफाइंड ऑन सेट A इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ x रिलेशन y दिया हुआ है, y रिलेशन z दिया हुआ है, x रिलेशन z अगर हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। दैट इज आपको इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं क्या कि हमको x और y दिया हुआ है, y और z भी हमको दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि x और z है वो मेरा R में बिलोंग करता है। अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि प्रूफ दैट R x y सच x इज द फैक्टर ऑफ y, x जो है वो क्या है, इज द फैक्टर ऑफ y है, इज ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। हम मान लेते हैं कि लेट a b c belongs to I, वो बोला x इज फैक्टर ऑफ y, हम लिए पहले क्या a इज फैक्टर ऑफ
बी, मतलब कि यहाँ से एक्स रिलेशन वाई ए रिलेशन बी लेके चलते हैं, ए रिलेशन बी लेके जाएंगे तो एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका बी इक्वल्स टू ए के वन ले लेते हैं, ए क्या है फैक्टर है बी का। फिर बोला बी रिलेशन सी भी ले लेते हैं, मतलब कि सी जो है वो बी जो है वो किसका फैक्टर है सी का है, मतलब कि सी इक्वल्स टू हम क्या ले लिए बी के टू ले लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए सी बराबर आपको क्या दिया हुआ है बी के टू दिया हुआ है और बी बराबर क्या दिया हुआ है ए के वन के टू, ये दोनों इंटीजर हो जाएगा, मतलब कि c इक्वल्स टू a यहाँ पे ये इंटीजर k1 k2 इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ कि c जो है इज a जो है वो फैक्टर है किसका c का, यहाँ से क्या निकल के आएगा a जो है a इज फैक्टर ऑफ c, मतलब क्या कि आपका जो है a रिलेशन c होल्ड करता है, ये निकल के यहाँ से आया, मतलब क्या कि हमको ए और बी रिलेशन दिया हुआ था, बी और सी रिलेशन दिया हुआ था, हम क्या दिखा दिए ए और सी रिलेशन भी मेरे उसमें इंटीजर में है रिलेशन आर में है। तो ए इज फैक्टर ऑफ बी है, मतलब कि बी इक्वल टू के एक वन, सी बी जो है फैक्टर है सी का, सी इक्वल टू बी के टू, और हमको दिखाना था ए और सी में रिलेशन, तो सी इक्वल टू बी के टू है, बी के जगह पे ए ए के वन पुट किए, के वन के टू दो इंटीजर ही है, तो सी ए जो है फैक्टर हो गया सी का, इसका मतलब क्या हुआ मेरा कि ये रिलेशन जो है वो क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन को होल्ड करता है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, तो ए रिलेशन कैपिटल आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेड टू बी ऑर्डर रिलेशन इफ आइदर एक्स रिलेशन वाई या वाई रिलेशन एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, मतलब कि कोई भी अगर हम रिलेशन लिखते हैं, मान लीजिए कि एक सेट ए है और ये वन टू थ्री एलिमेंट है, तो अगर कोई रिलेशन में अगर आपका वन टू या वन वन टू टू थ्री ऐसा वन थ्री लिखा हुआ है एक्स रिलेशन वाई या वाई रिलेशन एक्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, ए रिलेशन कैपिटल आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेड टू बी ऑर्डर रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको इक्व बैलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसी को हम लोग ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं, मतलब कि डेट इज क्या कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए पहला, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो भी सेट दिया हुआ ए, दूसरा एक्स रिलेशन वाई दिया होगा, एक्स रिलेशन आपको वाई मतलब कि पेयर में एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, दिस इंप्लाइड दैट वाई एक्स भी अगर दिखा दिए आर में फोर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो ये आपको साइमेट्रिक हो गया। तीसरा एक्स और वाई आपको आर में दिया हुआ है, y और z भी आपको r में दिया हुआ है, दिस इंप्लाइड दैट x और z बिलोंग्स टू r दिखा दिए फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू a, तो ये रिलेशन जो कहलाएगा वो आपको क्या कहलाएगा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे क्या कि ये रिलेशन है, ये क्वेश्चन दे दिया कि दो तीन चार पाँच छः डिफाइन ऑन आर टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स टू थ्री थ्री टू इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखाना है हमको। अब देखिएगा ये रिलेशन
पहले तो हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव की बात कर देंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे सबसे पहले। तो मेरे पास क्या कि जितना भी पेयर हो इसका सारा पेयर x x बिलोंग्स टू r है, हाँ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका जो भी सेट है वो उसका, ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारा का सारा ये रिलेशन को होल्ड करता है। दूसरा हम साइमेट्री की बात करेंगे, साइमेट्री की बात करेंगे, ये दूसरा है क्या कि x रिलेशन y हमको दिया हुआ है R में सभी के लिए, देखो 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 4 4 5 5 6 6 2 3 है तो 3 2 भी दिया हुआ है, मतलब कि इसमें जितना भी रिलेशन में एक्स वाई दिया हुआ है तो उसका वाई एक्स मेरे पास बिलोंग्स है, मतलब कि वाई एक्स भी मेरा आर में है, 4 x y belongs to A, ये भी मेरा क्या हो गया, साइमेट्रिक हो गया। ये ट्रांजेटिव की बात करेंगे क्या कि यहां पे देखेंगे ट्रांजेटिव की बात करेंगे, ये तीसरा क्या कि एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई मतलब 2 3 दिया हुआ है, वाई एक्स भी दिया हुआ है, वाई एक्स भी वाई जेड भी दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है तो 3 2 भी दिया हुआ है, बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट 2 2 होना चाहिए, हाँ 2 2 भी मेरे पास देख रहा है, मतलब कि x z belongs to R मेरा हो रहा है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो मेरा क्या है, ट्रांजेटिव रिलेशन है, मतलब कैपिटल R इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजेटिव सो इट इज इक्वैलेंस रिलेशन। ये रिलेशन मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजेटिव भी है, तो ये रिलेशन क्या हो गया आपको, इक्वैलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो ये इसी तरह से लॉजिकली हमको प्रूफ करना होता है, इस तरह से हम प्रूफ करेंगे ट्रांजेटिव को। दूसरा होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी साइमेट्रिक हो और ट्रांजेटिव हो उसी को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। चौथा होता है, पर दसवां होता है क्या कि एक टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या कराता है, ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी साइमेट्रिक भी हो, ट्रांजेटिव भी हो और साथ में ऑर्डर रिलेशन का भी ऑर्डर रिलेशन भी होल्ड करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल ऑर्डर रिलेशन करते हैं। ये दोनों का एग्जाम्पल आप लोग रिफ्लेक्सिव क्या क्या पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव का भी एग्जाम्पल हम दिए थे, एंटी साइमेट्रिक का भी दिए थे, ट्रांजेटिव का भी दिए थे, ऑर्डर का भी दिए थे। अब आप लोग को ये मिला के टोटल ऑर्डर और पार्शियल ऑर्डर का खुद से कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा रिलेशन जो होगा वो पार्शियल ऑर्डर होगा और टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा, हम कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देंगे। ये क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए 0 से लेके 12 तक गिवेन बाय रिलेशन ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन को आप अभी हम जस्ट इस टाइप के अभी जस्ट प्रूव किए थे कि ऐसा जो क्वेश्चन होगा रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजेटिव, यहाँ पे 0 से लेके 12 तक ही सेट दिया है और बोला है कि 2 का डिफरेंस जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा और कह रहा है कि वो रिलेशन जो होगा क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले तो ये 0 से 12 तक दिया हुआ है वो टर्म का आपको पेयर आर एक निकाल लेना है कि आर जो होगा वो क्या होगा, जैसे में अब कोई भी सारा का सारा पेयर बन जाएगा जो कि 4 के मल्टीपल होगा, सबका डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। आप कोई भी जब इक्विवेलेंस की बात किया है, जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात किया है तो ये तो होल्ड करेगा ही, a माइनस बी इज द मल्टीपल है, मतलब कि a माइनस बी जो होगा वो 4k1 आएगा, ये k1 जो होगा वो आपको 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के टर्म में आपको चलाता जाएगा। तो आप इसमें से जो भी एलिमेंट हो, आप कोई भी पहला रिफ्लेक्सिव की बात करेगा, रिफ्लेक्सिव में x रिलेशन x होना चाहिए, दिस इंप्लाई दैट x माइनस एक्स क्या आता है 0 और 0 जो होता है वो 4 के मल्टीपल होता है कि नहीं होता है, होता है, तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। साइमेट्री की बात करेंगे कि x रिलेशन y की बात करेंगे, दिया हुआ है मतलब कि x माइनस y जो है वो 4 के दिया हुआ है, 4 के मल्टीपल में है,
मतलब क्या कि आपको y माइनस एक्स जो होगा वो भी क्या होगा 4 के मल्टीपल में होगा। तो ये भी सिमेट्रिक, ये हम सिर्फ आपको हिंट्स कर रहे हैं कि इस तरह से आपको बनाना है। आप कोई भी ये रिलेशन ले लीजिए 12 तक में, आप दो ऐसा रिलेशन कोई भी ले लीजिए जैसे 4, 8, 12, तो ये रिलेशन जो होगा ये कोई भी लीजिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आप इस तरह से बना सकते हैं, ये सारे सेट रिलेशन लिख के तब उस तरह से आप दिखा सकते हैं, तो ये रिलेशन आपको ट्रांजिटिव होगा। एक लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, क्या होता है क्या कि अगर लेट कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, डिफाइन है सेट एस पे और ए बिलोंग्स टू एस है, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एस विच आर रिलेटेड विथ ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ई ए, ई ऑफ ए या बड़ी ब्रैकेट ऑफ ई ए, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे क्या कि एक सेट है ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एक रिलेशन ए बी है जो कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 है। हम लोग जानते हैं कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो इक्विवेलेंस क्लास हमको जब निकालना है तो वो क्या होगा, तो ए बी माने कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, हमको 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। अभी जस्ट हम पढ़े इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसा एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, आपको एक्स सच डेट ये रिलेशन 1 है ना, 1 माइनस बी डिविजिबल बाई 3 जहां बी आपका नेचुरल नंबर से होगा। अब कौन कौन सेट बी का वैल्यू यहां पे पुट कीजिएगा जो कि क्या होगा, आपको ए रिलेशन बी बोला, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 ऐसा। अब वहां पे 1 की बात किया है, एक्स रिलेशन होना चाहिए ना, एक्स रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू एक्स रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ये होल्ड करवाता है एक्स का, ये जो एक्स होगा मतलब कि यहाँ पे ये एक्स माइनस 1 ये होल्ड करेगा ऐसा। अब बताइए कि एक्स के जगह पे क्या क्या वैल्यू को पुट करेंगे जो रिलेशन 1 के साथ होगा, 1 के साथ कौन कौन है जो कि ये करेगा। अब देखिए इसके जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो वो भी डिविजिबल है, 1 जो पुट करेंगे यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 डिविजिबल बाय 3 है, एक्स के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये भी डिविजिबल है, एक्स के जगह पे 4 पुट करेंगे वो 3 से डिविजिबल है, एक्स के जगह पे 7 पुट करेंगे वो 3 से डिविजिबल है, एक्स के जगह पे 10 पुट करेंगे तो वो डिविजिबल है। ये प्रोसेस को जाएंगे तो अगर अगर पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 तो मेरे पास ये निकल के आएगा 1, 4, 7, 10 डॉट 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 ये निकलेगा। अगर हमसे पूछेगा कि इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 2 का निकालना है, 2 का निकालना है तो 2 के लिए ये रिलेशन आएगा x सच डेट x माइनस क्या है 2 है तो ये 2 और डिविजिबल बाय 3 क्यों बोला a माइनस b डिविजिबल बाय 3। अब देखिए x के जगह पे क्या क्या वैल्यू को पुट करेंगे जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो देखिए तो पहले तो 2 पुट करेंगे, उसके बाद आपको क्या पुट करना है 5 पुट कीजिएगा, उसके बाद आपको 7 पुट कर 8 पुट कीजिएगा ये तो आएगा, उसके बाद 11 पुट कीजिएगा तो आएगा डॉट 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 ये 2 का इक्विवेलेंस क्लास है। सेम उसी तरह से आपको निकालना है 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 4 का इक्विवेलेंस क्लास होगा, 5 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ये निकल के आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। तो ये था आपका टोटल रिलेशन। हम आगे आएंगे फंक्शन के साथ,
वन शॉट में। थैंक यू।